मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय अग्रवाल जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। मीडिया के सभी बंधुओं का अभिनंदन है। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक विशेष विषय के ऊपर मैं आप सबको संबोधित करना चाहता हूं। देखिए, पिछले कुछ सप्ताह की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे और उन रिपोर्ट्स के अंदर जो डेटा रिलीज हुए हैं या जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है उसके बारे में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के विचार अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में कुछ बातें आएंगी जो मैं यहाँ पे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कल एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा सामने आया है और वह है कि भारत की इकोनॉमी जो जीडीपी है वह 3.75 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूचना है। 2014 उसके पहले पिछले 60 वर्ष में ये 2 ट्रिलियन US डॉलर थी जो बढ़ के इतने कम समय में लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है। और महत्वपूर्ण बात यही नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, बट फॉर द लास्ट 2 consecutive years ये कंटिन्यूअसली विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले साल में इस कमिंग ईयर के अंदर भी यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहने वाली है, यह स्पष्ट रूप से आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ वह यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी इज नाउ बिकम द ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ओनली ड्राइविंग इट्स ओन ग्रोथ पोटेंशियल बट एट प्रेजेंट कैटलाइजिंग द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड दिस इज नॉट ओनली अ मेयर स्टेटमेंट बट इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल डेटा जो पिछले एक सप्ताह 15 दिन के अंदर रिलीज हुए हैं। इन्फ्लेशन फिगर कल आई थी। इन्फ्लेशन जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज को दिक्कत कर रहा है वह इन्फ्लेशन फिगर रिटेल इन्फ्लेशन 4.25% से है। आरबीआई का टारगेट है 4% ± 2। आज महंगाई की दर कल फिगर आई है 4.25% और फूड इन्फ्लेशन जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही दिक्कत करता है वह गिर के 3.84% से 2.91% पे हो गया है। उसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था। इन्फ्लेशन तो एक डेटा है, उसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.2% का इस साल के लिए कहा था। और यह उस वक्त की स्थिति है जब ग्लोबल हेडविंड्स जो कहते हैं इकोनॉमी को ग्लोबली रेस्ट्रेंट कर रही है, रोक रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन है। उस वक्त एनएसएसओ का डेटा आया कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट हैज क्रॉस 7% और उसके पहले कई लोग इस बात में आशंकित थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से नीचे आ जाएगी। और यही नहीं, फोर्थ क्वार्टर की Q4 की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी ईयर ऑन ईयर वो 6.1% है। यानी फोर्थ क्वार्टर में पिछले साल के अनुसार ग्रोथ जो पिछले साल अराउंड 4% थी फोर्थ क्वार्टर में वो बढ़ के 6.1% है। और यह जो इसके पहले एक नरेशन चलाया था, कई नेगेटिव नरेशन चलाने में माहिर लोग, वो कह रहे थे कि पेंट अप डिमांड है कोविड के बाद, अचानक जो डिमांड एक्यूमुलेट हो गई थी कोविड के दौरान उसके कारण जो इससे पहले थर्ड क्वार्टर वगैरह में ग्रोथ आई थी उस थ्योरी को भी पंक्चर करता है कि फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ कोविड के पेंट अप डिमांड के नैरेटिव के कारण थर्ड क्वार्टर में बढ़ी थी, ऐसी बात नहीं है।
जीएसटी कलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, वो अप्रैल महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वह 1,87,000 करोड़ है, यह कोविड और उसके पहले के टाइम मात्र 7,000 करोड़ पर मंथ के हिसाब से कम हो गया था, वह बढ़ के 1,87,000 करोड़ हो गया। और यह तब है जब आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि जो एवरेज जीएसटी रेट है, एवरेज जीएसटी रेट जो है 11.6% है। हमने वो समय भी देखा जब इनडायरेक्ट टैक्स 25-30% हर आदमी को लगता था, चाहे पेंसिल खरीदो, चाहे पेन खरीदो, बच्चा खरीदे, बूढ़ा खरीदे, एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम हमने देखा है 60 साल में जो 25% था, वो आरबीआई रिपोर्ट कहता है नेट एवरेज रेवेन्यू जो जीएसटी रेट है वो 11.6% है, ये आरबीआई की रिपोर्ट में बता रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 16.61 लाख करोड़ हुआ है और यह ग्रोथ है पिछले साल के हिसाब से 17.5% से ऊपर का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, इसमें कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स है। और यह तब है जब हम लोगों ने कॉरपोरेट टैक्स पिछले वर्षों में कंटिन्यूसली कॉरपोरेट टैक्स को कम किया है और वह मात्र 25-25% के करीब कॉरपोरेट टैक्स है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो मात्र 15% का टैक्स है, अब तो कॉपरेटिव सेक्टर में भी मात्र 15% का टैक्सेशन कर दिया है और पर्सनल इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई है। कॉरपोरेट टैक्स कम किया रेट, पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जम्पशन रेट बढ़ाई, जीएसटी के अंतर्गत जो जीएसटी की रेट है उसको 25-25% के लगभग से कम करके 11.6% की तरफ लाए, तब भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, कॉरपोरेट टैक्स बढ़ रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस है, ग्रोथ है, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। और परचेज मैनेजर इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो रिपोर्ट आई थी पिछले सप्ताह, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ दिखाता है। आईआईपी फिगर आज सवेरे आप लोगों ने देखी होगी, यह भी अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले साल जो था अप्रैल में वह मार्च में इसी साल के तो 1.1% था, वो बढ़ के 4.2% है। आईआईपी फिगर बढ़ गया है, परचेज मैनेजर इंडेक्स बढ़ गया है और इसके साथ बहुत सारे फिगर्स है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जो प्रेस रिलीज है उसमें आ जाएंगे। बट ये एक नरेशन, एक जो परसेप्शन है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, मैं जरूर उस पर बोलना चाहूंगा। फिनटेक एडॉप्शन रेट में इंडिया फर्स्ट रैंक में है, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में 115 यूनिकॉर्न्स है, एफडीआई 84.8 बिलियन US डॉलर्स के तरफ बढ़ गया है, एक्सपोर्ट फिगर्स ग्लोबल रिसेशन के बाद भी 770 बिलियन US डॉलर्स इस साल का 22-23 का रहा है। टॉप मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में भारत हो गया है और यह जो उसके बाद ये सारी इकोनॉमी ग्रोथ आ रही है, जब प्रेडिक्शंस कई लोग कर रहे थे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट विल फॉल डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल इज 2024 में जब हमारी सरकार आई थी तो 2-3 प्रॉब्लम महत्वपूर्ण थे। एक तो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे थे और बैड लोन्स थे। कॉरपोरेट सेक्टर में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सुना होगा, बैलेंस शीट्स में ओवर लीवरेज थे, डेट और इक्विटी का बहुत ओवर लीवरेज कॉरपोरेट सेक्टर था। इन 8-9 साल में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को, चाहे एनपीए के रिजोल्यूशन के प्रोसेस को लेके, आईबीसी को लेके, बैंकों को कैपिटलाइज करके, ये दोनों महत्वपूर्ण कारण जो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने का इशू है, कैपिटलाइज करने का इशू है, उनके एनपीए को रिजॉल्व करने का जो काम है और साथ में कॉरपोरेट सेक्टर्स की बैलेंस शीट्स को डीलीवरेज किया। अगर कॉरपोरेट सेक्टर्स की डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई हो गई थी तो उसके कारण वो न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। इन दोनों इश्यूज को सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स, कंसंट्रेटेड एफर्ट और विजनरी एफर्ट्स के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, इन दोनों चीजों को आज हम देखते हैं तो हमारे बैंक्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। और यह आप देखिए,
आज अगर यूएस वगैरह की अगर आप इकोनॉमी में देखेंगे या यूरोप में, एक के बाद एक उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस इस वक्त इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने या उनके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल रहे हो रहे हैं। और इंडिया ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से हमारे बैंकिंग सेक्टर को निकाला, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और यह ऐसा नहीं है, दिस ऑल थिंग्स जो हैं, ये जो सारे काम हैं, ये विजनरी अप्रोच के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के साथ और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, तीन मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करते हैं। एक इन्फ्लेशन, महंगाई की दर, दूसरा रिसेशन और तीसरा फिस्कल डेफिसिट। इन तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो भारत में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, मैंने फिगर बताया, भारत आउटलायर है, इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकला हुआ है, और फिस्कल डेफिसिट जो कि बजटरी घाटा है उसके अंदर भी एक प्रॉपर रोड मैप इस बजट में भी सरकार ने डिक्लेयर किया। वित्त मंत्री जी ने बताया कि आने वाले समय में जो एक समय में जो बजटरी घाटा 6.9% जो हो गया था जीडीपी का, वह घट के आने वाले समय में इट विल बी बिलो 5% तो ऑफ द जीडीपी। और ये इसको काउंट अगर हम देखेंगे, हमारे जो नेबरिंग दो तीन इकोनॉमी है पोस्ट कोविड में, जिस तरह से उन इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो श्रीलंका हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन इट्स सॉवरेन डेट। बांग्लादेश आईएमएफ के पास हेल्प के लिए जा रहा है। पाकिस्तान इज वर्ज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। या मैं लार्ज इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज के बारे में बता रहा हूं कि यूएस इज अंडर इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 40 ईयर्स, इट इज फेसिंग दैट रिसेशन। यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सारे तीनों मेजर इकोनॉमीज इन द यूरोप आर फेसिंग रिसेशन। चाइना जो कि पोस्ट कोविड में लॉकडाउन से बाहर नहीं निकल पाया, तो कोविड के बाद जिस तरह का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो सरकार लेके आई मोदी जी के नेतृत्व में, उसने इकोनॉमी को इन तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बावजूद उन तीनों को मजबूती से खड़ा किया है। यह महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूं। और यह कई बार लोग इंडिपेंडेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी बात करते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिपेंड, अगर हम आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामूहिक कार्य को देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आप हर बार सरकार की नीतियों या उसके विरोध में खड़े हो जाए, बट सरकार की नीतियों के साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करते। तो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पूरे पोस्ट कोविड मेजरमेंट में, चाहे आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन को बात हो या बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने की बात हो, एनपीए की बात हो, मिलके इस सारी चीजों को एक स्ट्रेंथन करके पोस्ट कोविड इकोनॉमी में हमें हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स लिए, आत्मनिर्भर पैकेज को भी आप देखें तो स्टैकर्ड मैनर में सरकार ने उसमें क्या कि जिस वक्त जिस सेक्टर को जरूरत है, चाहे पीएलआई के माध्यम से, चाहे और अलग अलग पैकेजेस सेक्टोरल सपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो सरकार ने स्टैकर्ड मैनर में उस पूरी इकोनॉमी को मजबूत किया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूरी इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन की तरफ, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो वर्चुअल असेसमेंट के माध्यम से हो, ऑडिट ट्रेल के एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से हो, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के माध्यम से हो, तो पूरी इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम थे इकोनॉमी में, उसको चेंज करके सरकार ने काम किया है। इस बजट में फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी पूरा एक चैप्टर सरकार का है। तो मेरा यह कहना है कि सरकार ने 360 डिग्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं। वह चेंजेस से इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उस पॉजिटिव इम्पैक्ट का डेटा
पिछले 8-10 दिन 15 दिन से अगर आप देखेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखता जा रहा है, और साथ में वो पॉजिटिव अभी मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई है, उसने 10 पॉइंट पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सरकार की बात की, और उसके साथ 10-11 पॉइंट में आने वाले समय में उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में होगा, उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट है। तो केवल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के डेटा ही नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि यह पूरी तरह से आने वाले समय में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ बजट के अंतर्गत भी सरकार के, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन है, और कल्चरल इकोनॉमी पे बड़ा फोकस है, आर्ट कल्चर म्यूजिक डांस फूड फेस्टिवल आर्किटेक्चर टूरिज्म, ये एरियाज हैं जहां पे भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इन सब के ऊपर सरकार का पूरा सपोर्टिव मैकेनिज्म है। यह सारी बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवरऑल हमें पिक्चर समझ में आना चाहिए। एक और आज रिपोर्ट आई है ई इकोनॉमी की, गूगल ने जिसमें दिया है कि आने ये जो इंटरनेट एक्सप्लोजन है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, यह आने वाले 2023 से 30 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को इस इंटरनेट इकोनॉमी के 5 गुना आगे बढ़ा देगा, और इसका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी बाय 2030 बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, न्यू टेक्नोलॉजी फिनटेक एटसेट्रा इनिशिएटिव 12-13% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ाने का सरकार का पूरा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सब के साथ आने वाले समय में सरकार काम कर रही है। तो मुझे यही बात कह के अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूंगा कि दीज ऑल थिंग्स विच आर हैपनिंग आर बिकॉज ऑफ द विजनरी अप्रोच एंड फोकस्ड अप्रोच ऑन द इकोनॉमी। ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया में इसलिए बढ़ रहा है कि एट प्रेजेंट चाहे आप यूपी में इन्वेस्टमेंट की बात देख लें या और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया में इंटरेस्ट आप देखेंगे, तो आपको क्लियर दिखेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आने वाले अगले डिकेड में इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोपेल करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत की तरफ बढ़ेगी, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है, उसी तरफ काम किया जिसको पॉजिटिवली हम वेरियस डेटा में देखते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ओनली प्रोपेलिंग द ग्रोथ फॉर इंडिया बट इट इज नाउ बिकम द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी अंडर श्री नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू। इस विषय संबंधित प्रश्न किसी के पास हो तो स्वागत है। देखिये वो तो अपोजिशन तो नेगेटिविटी के अपने सोच के अंदर ही सारी बात करी, मैंने तो आपको डेटा दिया, इसका प्रिंट आउट आपको प्रेस रिलीज के अंदर भी मिलेगा, और मैंने ना केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट की बात की है, एनएसएसओ डेटा बताया, आईआईपी फिगर्स बताई है, परचेज मैनेजर इंडेक्स का बताया, आरबीआई की रिपोर्ट बताई है, मॉर्गन स्टैनले के को कोट करके दिया है, गूगल की रिपोर्ट के बारे में पता किया बताया है, इतने सारे फैक्ट इतने सारे इंस्टीट्यूशंस इतने सारे फिगर्स इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आज बैंकिंग सेक्टर कैपिटल मार्केट को आप देख लीजिए कितना तेजी से उसमें एफडीआई का इन्फ्लो, अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमी में पैसा कोई लगा रहा है तो सोच समझ के लगा रहा है, आज एफडीआई इतना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है, तो दीज आर वेल स्टेब्लिश डेटा दैट आई एम कोटिंग। विनीत जी नहीं, देखिए हरदीप पुरी जी ने इसके ऊपर 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ओएमसी जो ऑयल मैन्युफैक्चर जो कंपनीज हैं उनका पिछले साल एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत था, और इसके कारण वो पिछले साल के लॉसेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को
को अब वाइप आउट होने के बाद उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री इस बात को देख रही है कि ऑयल के प्राइसेस कम होने चाहिए। हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट इसमें आया है। सुजीत जी, सुजीत ठाकुर, नहीं देखे, अगर आप डबल टैक्सेशन वाला इशू तो बायलेटरल होता है। अगर मॉरिशस हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने यहाँ एग्जम्पशन देता है तो हम भी देते हैं। जो नहीं नहीं इनकम और परचेज, जो ये जो एक्सपेंडिचर की बात करें, हमारे यहाँ पे इनकम पे ही टैक्सेशन है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी एक समय आप 25-30% एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स देते थे, आज घटा के सरकार ने उसको 11.6% के एवरेज रेट पे कर दिया, साथ में कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शुरू से चल रहा है। 80 जहां पे कोविड के समय, पोस्ट कोविड जिस तरह से उस समय कोविड के समय जो आवश्यकता थी, और वर्ल्ड बैंक और सब इंस्टीट्यूशंस ने इस बात को सराहा है कि जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को उस वक्त आवश्यकता थी, तो उसमें राशन की आवश्यकता थी, वो सरकार ने उस आवश्यकता को पूरा किया है। आपका प्रश्न? हाँ, मेरा सवाल प्रेम जी से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपाल जी, गोपाल जी देंगे। नहीं आज, आज सिर्फ आर्थिक विषयों पर प्रश्न लेंगे, सिर्फ आर्थिक विषय पर आपसे अलग से बात कर लेंगे। परचेसिंग पावर तो बढ़ ही रहा है, परचेसिंग पावर अगर आप देखेंगे, इनकम भी बढ़ रही है, परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है। तो परचेसिंग जैसे जैसे जो कॉस्ट कम होती है तो वो बेनिफिट होता है लोगों। देखिए फ्रीबीज अपने आप में इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमिस्ट व्यक्ति से पूछेंगे तो फ्रीबीज दो तरह की हैं। एक तो सोशल वेलफेयर वाली बातें जो कि आप बजट के अंदर उसका प्रावधान करके आप करते हैं, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पे रिसोर्स जनरेशन के साथ करते हैं। एक है कि आप, एक तो पॉलिटिकल फ्रीबीज है कि आपने अनाउंस कर दिया उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर दिया, जैसे कि कांग्रेस और इसकी पार्टीज करते, कई जगह अनाउंस कर दिए उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ना रोड मैप है ना इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा है सोशल वेलफेयर का, जिस तरह से पिछले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि पिछले 9 वर्ष में 29 लाख करोड़ का सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को बेनिफिट दिया है, लीकेज प्रूफ, करप्शन फ्री। अगर पहले के फिगर्स आप देखें तो मात्र इसमें से 15% जनता को जाता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें पिछले सरकार ने ऑयल बॉन्ड इश्यू कर दिया, उसका कोई प्रावधान बजट में भी नहीं किया, उन्होंने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को 2 लाख का डेट ले लिया, उसका बजट में प्रावधान नहीं किया। हमारी सरकार ने पिछले बार बजट में उस 2 लाख करोड़ का सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का बजट में प्रावधान करके उसको पे किया। तो आप रिसोर्स को जनरेट करके आप उन रिसोर्स को एलोकेट करते। अल्टीमेटली बजट क्या है, मेरे पास अगर 45 लाख करोड़ है तो मैं कहाँ खर्च करता हूँ? आप अगर उसको जनता में जिस सेक्टर को, जिस व्यक्ति को, जिस एरिया को आवश्यकता है उसको एलोकेट करके, उस रिसोर्स को जनरेट करके आप करते तो वह सोशल वेलफेयर का एलोकेशन है। बट आप बिना किसी इसको सोच समझे हुए, उसका रिपरकेशन देखे हुए, फ्यूचर जनरेशन को उसकी कॉस्ट बियर करने का तरीके से करते हैं तो वो फ्रीबीज है। वैसे इस फ्रीबीज की डेफिनेशन अभी कोई वैसा फाइनल है, बट अल्टीमेटली इकोनॉमिक टर्म्स में इस तरह का एक जनरल वो समझ पाए। बिल्कुल, अगर पंजाब में आप देखें 3-4 लाख करोड़ का आपके पास डेट है और आप कह रहे हो हम ये फ्री देंगे वो देंगे, आप डेट को तो देखोगे ना। तो अल्टीमेटली आप, हम फिस्कल डेफिसिट, जब भी मैंने कहा 3 मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर महत्वपूर्ण है,
इन्फ्लेशन को अगर महंगाई दर को आप कम रखते हैं तो आम जनता का फायदा होता है। तो हम कंटिन्यूसली जब 2014 में था इन्फ्लेशन रेट 10% डबल डिजिट में था, आज 4.25% है, फूड इन्फ्लेशन 2.9% है। तो इन्फ्लेशन को कम रखा। दूसरा, इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होती है तो भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, लोगों को मिलती है। थर्ड है कि आप फिस्कल डेफिसिट बजटरी घाटे को भी कंट्रोल करते हैं। ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को एक साथ मिला के आप चलते हैं तो अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ती है। देखिए, कल भी एक सरकार ने एक फिगर दी, 1,18,000 करोड़ का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जीएसटी का सरकार ने स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया है। वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पे यह स्टेटमेंट दिया था कि जीएसटी का पिछला कोई बकाया किसी प्रदेश का नहीं है, जबकि हर साल 14% का ग्रोथ लेते हुए 5 साल में कि उनके स्टेट्स के 14% के एडिशनल इनका ग्रोथ को लेके जीएसटी को देना था, और पीछे केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन काफी कम हुआ कोविड के टाइम, तब भी सरकार ने पूरा जीएसटी ट्रांसफर किया। डायरेक्ट टैक्स बजट में 42% का जो डिवोल्यूशन वो भी पूरा कर दिया। जब संसद के पटल पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ, ये जो आप जो डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें, देखिए अल्टीमेटली एब्सोल्यूट फिगर में बढ़ गया, लेकिन आप उस समय डेट और उस समय की जीडीपी 55 साल में एक समय तक आप, मैंने कहा 60 साल में आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट आई $2 trillion की, और पिछले 8-9 साल में $3.75 trillion की ग्रोथ हो गई इकोनॉमी की। बजट का साइज आज 45 लाख करोड़ का है, तो उसके अनुपात में आप देखेंगे कि 55 लाख करोड़ से अब आप, और फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपेक्स में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर भी देखा जाता है सरकार। प्रेस जो है आदरणीय गोपाल जी, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।